धन्यवाद संचालक महोदय। एक जोर का जयकारा लगाएंगे सभी हाथ ऊपर करके, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, स्वामी समनदास महाराज जी की, ज्ञान भिक्षु महाराज जी की, गोवर्धन दास जी की। सर्वप्रथम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, स्वामी समनदास महाराज जी के भी चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, भारत में जन्मे सभी संतों गुरु और महापुरुषों को मेरा सशत नमन। मंच पर बैठे जितने भी संत समाज हैं उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, और मंच पर बैठे भाई मंजीत नोटियाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने भी मंच पर बैठे हैं राजनीतिक व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति, सबका मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त करता हूं नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, और जो यहां पर मातृशक्ति पहुंची है उनका भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। आज सुक्कड़ताल गद्दी पर मुझे पहली बार आने का मौका मिला, और ये मेरा सौभाग्य है कि ज्ञान भिक्षु महाराज जी की पुण्यतिथि पर आने का मौका मिला, तो मैं इनका सबकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं टेंट वाले भैया का, साउंड वाले भैया का, और जो हमारे ढोलक वाले भैया हैं, साज वाले भैया, मैं सभी का बारंबार धन्यवाद करता हूं, बिजली वालों का भी धन्यवाद करता हूं। देखिए दूर दराज से चलकर 10 से 15 लाख लोग सुक्कड़ताल की गद्दी पर पहुंचते हैं। जैसे शेखर भाई ने कहा है कि व्यवस्था में बहुत ज्यादा कमी है, तो मैं कह देना चाहता हूं पुलिस और प्रशासन के लोगों से कि अगली बार ये व्यवस्था सुरक्षित और सही मिलनी चाहिए, नहीं तो हम सब लोग मिलकर बता देंगे कि हमारे जो सुक्कड़ताल गद्दी है कि उसको किस तरीके से हम अपने कार्य कराए जाएंगे। साथियों आज हम जिले के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 111 मूर्तियां भेंट कर रहे हैं। अगर जिले के अंदर कहीं भी संगमरमर की मूर्ति नहीं है तो हम संगमरमर की मूर्ति देने का काम कर रहे हैं। 111 मूर्तियां पूरी होने के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में स्वामी समनदास महाराज जी की 51 मूर्ति देने का हम काम करेंगे। साथियों पिछली बार हमने आप सर्व समाज के लोगों के साथ मिलकर के 3 बेटियों की शादी की थी, अगली बार 23 मार्च 2025 को हम 11 बेटियों की शादियां करने जा रहे हैं, और ऐसी कोई भी बहन बेटी हो तो उसका रजिस्ट्रेशन चाहे तो सुक्कड़ताल गद्दी पर करा दें या सहारनपुर आकर के करा सकते हैं। जैसे एक भाई एक पिता अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी बहन बेटी को विदा करता है, तो उसी पूरी ताकत के साथ ये भाई भी अपनी बहन बेटी को विदा करने का काम करेगा। साथियों किसी मंदिर पर अगर कलश नहीं है तो हम भी कलश भी देने का काम कर रहे हैं, तो कोई भी मंदिर हमारा ऐसा ना रहे जिसकी चोटी पर कलश ना हो। साथियों मेन मुहिम हमारी इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो हम पहल करने जा रहे हैं, मेन मुहिम हमारी शिक्षा की है, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों के हम जिले के अंदर, जिला सहारनपुर के अंदर 1100 पाठशालाएं खोलने जा रहे हैं। मेरे साथियों भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम गौतम सभी से एक आह्वान करता हूं कि शिक्षा की इस मुहिम में जिस तरीके से डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने कक्षा 1 से निकल करके ना तो डंडा उठाया और ना झंडा उठाया, उठाई तो केवल कलम उठाई और अपनी कलम की ताकत से इस देश को संविधान
संविधान देने का काम किया साथियों, और विश्व में अपना पूरा नाम करने का काम किया है। तो अगर आप सब लोग इस शिक्षा की मुहिम में हमारे साथ हैं, भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर आप लोग साथ हैं तो दोनों हाथ उठा करके बोलिए कि शिक्षा की मुहिम में क्या लोग आप साथ हैं? सभी लोग साथ हैं, हाथ बहुत कम उठ रहे हैं। क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। साथियों, तो हमें कक्षा एक से लेकर के कक्षा आठ तक के बच्चों की जो नींव मजबूत करनी है, उसके लिए हम उनकी बुकें तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में हम नवोदय विद्यालय की तैयारी कराएंगे। साथियों, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कराएंगे, सामान्य ज्ञान की तैयारी कराएंगे, और हम संविधान की तैयारी कराएंगे, और पर्यावरण के बारे में भी बताने का काम करेंगे साथियों, और खेलकूद में भी हम अपने खिलाड़ियों को आगे निकालने का काम करेंगे। एक हमारी बहन संजना गोल्ड मेडल लेकर के आई थी, उसका सम्मान भी हमने घर पे बुला कर किया था है, वो बेटी भी आज हमारे साथ मंच पे है और दोबारा से फिर इंटरनेशनल जीत के लाई है। ये बेटी संजना है और इसका ये मेडल है मेरे साथियों, क्योंकि हम खेल से भी और पढ़ाई से भी इस देश के ऊपर राज करने का काम करेंगे। साथियों, जब हम शिक्षित होंगे तो हमने एक नारा दिया है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। साथियों, हमने चेंज किया है, शिक्षित बनो तो अपने लिए हो जाता है, लेकिन शिक्षित करो सभी के लिए हो जाता है, और शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो का नारा ये हमने दिया है। साथियों, आज हमने आदरणीय संत हमारे गोवर्धन दास जी के लिए हम एक चांदी का मुकुट लेकर के आए थे, लेकिन वो मुकुट उन्होंने ये कहा है कि स्वामी समनदास जी के मस्तक पर आपको इसको लगाना है। देखिए, ये संत गोवर्धन दास जी का दिल देखिए और अपने गुरु के प्रति आस्था देखिए कि गोवर्धन दास गुरु जी ने सब कुछ गुरु स्वामी समनदास महाराज जी के चरणों में समर्पित करने का काम किया है। स्वामी समनदास महाराज जी ने लाखों ही नहीं, करोड़ों ही नहीं, अरबों घरों को सुधारने का काम किया है, और शिक्षा की मुहिम में भी हमारे स्वामी समनदास महाराज जी ने पता नहीं कितनों की नौकरियां लगाई हैं, जो आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जो नशे में लुप्त रहते थे, जो मांस मछली में लिप्त रहते थे, ऐसे बीच से उठा करके ही बोल देते थे कि यहाँ आ जाइए खड़ा होकर के। ये महाराज जी की जो शक्ति थी, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के बाद अगर कोई शक्ति है तो संत स्वामी समनदास महाराज जी हैं। साथियों, आज हम लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होना है, और हमारे ये संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी हैं, जितने भी उस टाइम के राजा महाराजा हुए हैं या कितने भी राज्य होते थे, वो आकर के संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होने का काम किया था। साथियों, जो किले के अंदर, चित्तौड़ किले के अंदर गुरु महाराज जी का जो मंदिर है, देखिए समय का अभाव है, पीछे से हाथ लग गया, चलिए जोर की एक नारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, स्वामी समनदास महाराज जी की, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। धन्य धन धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सतनाम जी, हेलो, हेलो।